हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग बैलून के ऊपर बनाने वाले हैं। बेसिकली आप लोग अगर बैलून को फुला रहे होंगे तो या तो आपके पास अगर मशीन है तो उससे आप लोग फुला रहे होंगे, या तो छोटा बैलून है तो मुंह से भी फूल जाता है। लेकिन कभी आप लोग सोचे हैं कि ये जो बैक है, ये बैक के साइलेंसर से भी हम लोग जो है वो बैलून को फुला सकते हैं। जब भी आप लोग बैक को चालू कर रहे होंगे तब बैक के माध्यम से जो साइलेंसर है वहाँ से धुआं के साथ साथ हवा भी वहाँ पे मिलता है देखने के लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो बड़ा जो बैलून है, हम लोग का मार्केट में इतना इससे बड़ा बैलून नहीं मिला, जितना बड़ा मिला उतना बड़ा हम लोग लेके आए हुए हैं। ये जो बैलून को है उस साइलेंसर में हम लोग फिक्स करने वाले हैं, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये बैलून है वो फूलता है या नहीं फूलता है। अगर फूलेगा तो ये जो बैलून है वो कितना बड़ा फूलेगा, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या होता है बैलून को जब साइलेंसर में हम फिट कर देते हैं तब। तो गाइस अभी जो बैलून है वो यहाँ पे हम लोग फिक्स कर दिए हैं, जहाँ से साइलेंसर से हवा यहाँ पे आता है उस जगह पे हम लोग बैलून यहाँ पे फिट कर दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे बैग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि बैलून कितना बड़ा होता है और किस टाइम बैलून फूट जाता है और कैसे यहाँ पे फूलता है, मतलब कि साइलेंसर के माध्यम से सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बैग को, जा रहे हैं बैग को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे किस प्रकार से बैलून जो है वो साइलेंसर के माध्यम से फूल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है, जो ये बैक है थोड़ा सा ज़्यादा ही पावरफुल है, तो ये जो बैलून जो फूल रहा है वो मतलब ऐसा भावरेट कर रहा था कि बैलून जो है जितना और इसको फूलना चाहिए था उस प्रकार से नहीं फूला हुआ है। भावरेट के माध्यम से थोड़ा सा जल्दी ही मतलब कि बैलून फूट गया है। तो अभी मेरा पास और बैलून है तो उसको अभी हम लोग सेट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे अभी हम फुलाने का प्रयास करेंगे। इसमें दिक्कत ये होता है कि जैसे हम एक्सीलेटर लेना छोड़ देते हैं वैसे जो है बैलून मतलब कि अपने आकार में आ जाता है, एक प्रकार से हवा निकलने लगता है उससे। तो चलिए अभी फिर से हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से अभी हम बैलून को अभी फुलाने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे दूसरा बैलून भी हम लोग सेट करके और यहाँ पे साइलेंसर के माध्यम से इसको फुला के और ये फूट भी गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दो तीन बैलून यहाँ पे फूट गया है। तो ये जो बैलून है देखने में आप लोग को बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग साइलेंसर में सेट करते हैं और साइलेंसर के माध्यम से जब यहाँ पे हवा देता है तो बैलून यहाँ पे सामने देखने से बड़ा लग रहा है। बाकी दूर से अगर हम आप लोग को कैमरा से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो थोड़ा सा छोटा आप लोग को दिख रहा होगा। तो बाकी फिर जो है एक यहाँ और बैलून मेरे पास बचा हुआ है, इसको भी सेट करते हैं और थोड़ा सा धीरे धीरे अगर हम लोग फुलाने का प्रयास करेंगे। एक्सीलेटर यहाँ पर लगातार अभी ले रहे थे तो बैलून जल्दी ही फूट गया था, अभी थोड़ा स्लो हम लोग करने वाले हैं। Few moments later.
यहाँ पे जो लास्ट वाला भी हम लोग बैलून जो फुलाए हुए हैं वो काफी बड़ा सा फुला हुआ है, क्योंकि अभी जो हम लोग एक्सीलेटर वो थोड़ा सा धीरे धीरे ले रहे थे तो हवा ज्यादा निकल भी नहीं पा रहा था और धीरे धीरे जो बैलून है फूलते जा रहा था और काफी बड़ा इसमें इस बार जो बैलून है फुला हुआ है जो आप लोग देख लिए होंगे। ये जो बैग का साइलेंसर के माध्यम से आप लोग किसी भी बैग से फुला सकते हैं जिससे हवा निकल रहा है, हम लोग इसमें ट्रैक किए हैं, आप लोग किसी और में भी ट्रैक कर सकते हैं। बस हम लोग का यहाँ पे सिर्फ जो है बैलून थोड़ा सा छोटा पड़ गया था यहाँ पे मार्केट में, मतलब कि यहाँ पे बड़ा जो बैलून है वो ढूंढने से नहीं मिला, इसलिए इतना ही बड़ा हम लोग को मिल पाया है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।